जिला बिलासपुर का चंगर क्षेत्र का लाल भारत माँ की बलि देवी पर न्यौछावर। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद के माता पिता बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी शहीद के गृह क्षेत्र पहुंचे। श्री नैना देवी जी तहसील के अंतर्गत आते गांव चंगर तरसूह का लाल श्री करनैल सिंह सुपुत्र श्री शेर सिंह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया। अपने माँ बाप के एकमात्र दुलारे के जाने से संपूर्ण क्षेत्र के लोगों की आंखें नम है। करनैल सिंह के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जहां पर स्थानीय लोग शहीद के परिवार को इस दुखी घड़ी में ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों को अपने वीर जवान पर गर्व भी है। पिछले कल उड़ी सेक्टर जम्मू कश्मीर में गांव चंगर तसूक तहसील श्री नैना देवी जिला बिलासपुर के सपूत श्री करनैल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, जो कि देश की रक्षा करते हुए देश के ऊपर कुर्बान हो गया, उसकी 22 वर्षीय करनैल सिंह जो कि बर्फ में भारी ग्लेशियर की चपेट में आके जिसकी मौत हो गई, और जो कि देश की सीमा के ऊपर अग्रिम चौकी पर तैनात था, जिसकी वजह से उसकी भारी हिमपात की वजह से वहां पे मौत हुई है, और इस जिससे पूरे नैना देवी क्षेत्र चंगर क्षेत्र तथा गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। हम सरकार से सेना से आशा करते हैं कि उस परिवार के ऊपर हर दुख की घड़ी की में सहयोगी बने और उसका उस पर साथ दें, ताकि उस परिवार को सांत्वना मिल सके। हम पूरे क्षेत्रवासी उसके उसकी शहादत को याद करते हुए शत शत नमन करते हैं और उनके परिवार के साथ अपना जो है हमदर्दी जताते हैं और सांत्वना देते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।